इस वीडियो में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है उसके मतलब को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो इसका स्कोप बड़ा हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी केस स्टडीज में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट देकर के कि बताओ क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा या नहीं आएगा, और वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो जरूरी है जब तक आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आप उस केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए हम समझते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। देखो, अगर हम सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखें तो वो बेसिकली क्या है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। दो तरह के क्लॉजेस होते हैं, एक होता है डेफिनेशन क्लॉज और दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब इन दोनों में अंतर क्या है, आइए शॉर्ट में समझते हैं। डेफिनेशन क्लॉज में बेसिकली चीजों को डिफाइन कर दिया जाता है और वो अपने आप में एग्जॉस्टिव होते हैं, मतलब दे आर कंप्लीट इन इटसेल्फ। लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज को देखते हैं तो वहां पे अज्यूम्ड डेफिनेशंस आर गिवन, मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से हम किसी चीज को समझ सकते हैं, उस मैनर में किसी चीज को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो यहां पे सेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है, इंटरप्रेट करता है उसके मीनिंग, ठीक है। चलो क्या कहता है, देखो अगर हम सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखें तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है। और ये कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, और इसमें तीन बातें हैं, कौन कौन से, एक स्टैंडिंग टिम्बर, दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स, और तीसरा ग्रासेस, ठीक है। अब स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब यहां पे ट्रीज हो गए, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स में आपके व्हीट, राइस, पल्सेस और अदर वेजिटेबल्स, और फिर से आपके ग्रासेस। तो यानी सेक्शन 3 कह रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड तीन बातें, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेस। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये एक नेगेटिव अप्रोच को शो करता है सेक्शन 3, और ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें यहां एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि हम किन किन चीजों को इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे इन तीनों चीजों को छोड़ करके, ठीक है। अब तो क्योंकि सेक्शन 3 इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज और यहां पे एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन गिवन, इसलिए एक केस है बाबूलाल वर्सेस भवानी देवी, ये एक इंपॉर्टेंट केस है 1912 का, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच हैज बीन गिवन इन जनरल क्लॉज एक्ट 1897, द सेम डेफिनेशन अप्लाइज ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑल्सो। यानी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को जिस तरह से डिफाइन किया गया है सेम वही डेफिनेशन अप्लाई होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, क्लियर। ये केसेस आप लिखोगे, ठीक है। अब तो ये आपका एक केस हो गया। अब हम आते हैं जनरल क्लॉज एक्ट 1897 क्या कहता है, किस तरह से हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, क्लियर। चलिए अब देखो, अगर हम सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 को देखें तो ये कहता है
इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, इसमें तीन बातें आती हैं, कौन कौन सा, एक लैंड, ठीक है, दूसरा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और तीसरा थिंग्स फास्टेंड टू थिंग्स अटैच्ड टू लैंड फॉर इट्स परमानेंट एंजॉयमेंट, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो कि जब हम जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 क्लॉज 26 में जाएंगे तो वहां पे हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को समझना होगा, ठीक है। और ये कहता है कि इसमें तीन चीजें आएंगी, पहला लैंड, दूसरा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और तीसरा थिंग्स फास्टेंड टू थिंग्स। देखो फास्टेंड का मतलब होता है जो चीज किसी दूसरे चीज से जुड़ा हुआ रहता है या किसी दूसरे चीज को जकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो थिंग्स फास्टेंड टू थिंग्स अटैच टू लैंड फॉर इट्स परमानेंट एंजॉयमेंट। अभी हम इसे एग्जाम्पल से समझे, तो ये तीन चीजें क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्लियर। चलो अब जब हम लैंड के बारे में बात करेंगे तो इसे हम ब्रॉडर सेंस में समझेंगे, ठीक। अब ये कहता है इट डज नॉट मीन ओनली अपर सरफेस ऑफ लैंड, इट मीन्स ऑल द लेयर्स ऑफ द सॉइल। अब जब हम लैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां हमारे लैंड के केवल अपर सरफेस से मतलब नहीं है, ये ऑल द लेयर्स ऑफ द सॉइल को इंक्लूड करेगा। इसका मतलब अगर किसी लेयर में कोई मिनरल है तो वो मिनरल किसमें है, लेयर में है, ठीक है। तो वो मिनरल भी क्या होगा, वो मिनरल भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, समझा गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, लैंड से जो कुछ भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, जैसे जैसे डैम्स हो गया, ठीक है, जैसे कैनल्स हो गए, जैसे वेल्स हो गए, तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें दे आर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, लैंड है तभी तो ये सभी चीजें हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरा कहता है थिंग्स फास्टेंड टू थिंग्स, यानी ऐसी चीजें जो क्या है जुड़ी हुई हैं किसी दूसरे चीज से और वो चीज लैंड से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं कहता हूं कि ये आपका बिल्डिंग, ठीक है, इस बिल्डिंग में ये क्या है, ये है आपका डोर, ये है आपका विंडो, ठीक है, और सपोज ये है आपका ये है आपका फैन और ये है आपका एसी। तो आप देखो अल्टीमेटली आप देखोगे तो ये जो आपका बिल्डिंग है ये किससे जुड़ा है, ये लैंड से जुड़ा हुआ है, और ये जो आपका एसी है, जो फैन है, जो डोर है, जो विंडो है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, और ये बिल्डिंग फिर से आप देखोगे लैंड से जुड़ा हुआ है। तो थिंग्स फास्टेंड टू थिंग्स विच इज अटैच टू लैंड में आपके, आप देखो एसी, फैन, डोर्स, विंडोज, ये सभी चीजें आ जाती है, क्लियर, ओके। तो यानी ये सभी चीजें क्या हैं, आपके क्या हैं, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। अब देखो जब हम बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक है आपका थिंग्स रूटेड ऑन अर्थ और दूसरा क्या है थिंग्स एम्बेडेड ऑन अर्थ, ठीक है। जब थिंग्स रूटेड ऑन अर्थ है तो इसमें आपके ट्रीज आ जाएंगे, इसमें श्रब्स आ जाएंगे, एग्जाम्पल क्या क्या है, ट्रीज है, ठीक है, श्रब्स है, और थिंग्स एम्बेडेड ऑन अर्थ में वही आपका देखो वॉल आ गया, ठीक है, इसमें आपका बिल्डिंग आ गया, फिर आप देखो डैम, ये सभी चीजें क्या होंगी, एम्बेडेड ऑन अर्थ मतलब ये सॉइल में ही तो ये इनका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाए। नाउ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए
कि जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को देख रहे हैं सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत, तो उसमें साफ हम ये देख रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है। लेकिन यहां पे तो क्या है, यहां पे थिंग्स रूटेड ऑन अर्थ, जिसमें ट्रीज आ रहा है, श्रब्स आ रहा है, तो इसे भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। एक केस यहां पे आता है, उस केस को आप लिखोगे, केस का नाम है सांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बंबई। देखो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप किसी पौधे को लगा रहे हो तो सबसे पहले उसके इंटेंशन को देखो, और यदि उसका इंटेंशन आप देखते हो तभी हम ये कंसीडर करेंगे कि क्या वो मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एग्जांपल के लिए मान लो आज आपने कोई पौधा लगाया इस इंटेंशन से कि कल को जब ये बड़ा होगा तो इसके वुड को काट के मैं फर्नीचर बनवाऊंगा, तो यानी आपका इंटेंशन क्या था, आपका इंटेंशन था कि इसके वुड को काटना है, तो यहां पे ये क्या होगा, यहां पे ये मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा। वहीं अगर मान लो आप कोई प्लांट लगाते हो इस पर्पज से कि वो फ्यूचर में जब बड़ा होगा तो मुझे फ्रूट्स देगा और मैं उसके फ्रूट्स को खाऊंगा, यानी योर इंटेंशन इज नॉट टू कट द ट्रीज बट टू गेट इट्स फ्रूट, ठीक है। तो यहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। तो कोई चीज मूवेबल है या इमूवेबल है वो स्टैंडिंग टिम्बर में हम उसके पर्पज को देखेंगे कि किसी भी प्लांट को लगाने के पीछे उसका क्या पर्पज था, और केस क्या है, सांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, क्लियर, ओके। अब देखो अब एक और केस है, केस है आपका आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1955 का केस है। इस केस में ये बताया गया कि जो राइट ऑफ फिशरीज है यानी जो मछली पकड़ने का अधिकार है वो भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये पॉन्ड है तो ये पॉन्ड कहां है, अल्टीमेटली ये लैंड पे ही तो है, ठीक है, और इसमें क्या है, मान लो वाटर है और इसमें क्या है, फिशेज है, तो ये फिशेस किससे जुड़े हुए हैं, पॉन्ड से या लेक से, और ये लेक किससे जुड़ा हुआ है, लैंड से, तो अल्टीमेटली जो राइट ऑफ फिशिंग है इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम इसके इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को और भी डिटेल में समझें तो हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को देख सकते हैं, उसमें हमें एक मिक्स डेफिनेशन मिलता है, जो भी डेफिनेशन हम जनरल क्लॉज एक्ट में अभी पढ़ रहे हैं और जो डेफिनेशन हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखा, सिंपल इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, इन दोनों का ही एक मिक्स वर्जन आपको देखने को मिलता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में। चलिए हम समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 क्या कहता है। देखो तीन केसेस हैं, सबसे पहले आप देखोगे बाबूलाल वर्सेस भवानी देवी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जनरल क्लॉज एक्ट में जो डेफिनेशन है वो सेम डेफिनेशन अप्लाई होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है। फिर आप लिखोगे कि सांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बंबई के केस में यह कहा गया कि स्टैंडिंग टिम्बर को हम मूवेबल और इमूवेबल कब मानेंगे, सबसे पहले हम उसके पर्पज को देखेंगे, यदि किसी भी प्लांट को इस पर्पज से लगाया गया है कि फ्यूचर में उसके वुड को हम कट करेंगे तो वो मूवेबल में आएगा, और यदि हमने उसके परमानेंट बेनिफिट पाने के लिए लगाया है तो वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तीसरा केस आप लिखोगे आनंद मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1955, इस केस में जो राइट ऑफ फिशिंग है उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया, क्लियर। चलो अब
चलो हम देखते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 किन वर्ड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, देखो ये कहता है कि लैंड्स, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंसेस, क्या कहता है, देखो कहता है लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट टू वे और एनी अदर बेनिफिट्स ऑफ लैंड, एनी अदर बेनिफिट्स ऑफ लैंड। देखो जब हम बेनिफिट्स ऑफ लैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, एक थिंग्स रूटेड ऑन अर्थ और थिंग्स एम्बेडेड ऑन अर्थ। और फिर ये कह रहा है विच डज नॉट इंक्लूड क्या क्या, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेस। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेक्शंस में जो जिस तरह से डिफाइन किया गया है वो आपको याद हो जा रहा है तो अल्टीमेटली आप इसे लिख लोगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। आई होप यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं और अगर आते हैं तो आप आसानी से उसे कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।